परीक्षा जिंदाबाद, विद्यार्थी परीक्षा जिंदाबाद। इस वक्त मैं जेएनयू में हूं, रात के 3 बज रहे हैं और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जेएनयू का राजनीतिक माहौल एकदम गर्म है। यह राजनीतिक माहौल इसलिए गर्म है क्योंकि जेएनयू में पूरे 4 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं। चूंकि जेएनयू में होने वाला इलेक्शन सिर्फ जेएनयू कैंपस नहीं बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी बहुत मायने रखता है, इसके बारे में बातें होती हैं, इसलिए जेएनयू कैंपस में होने वाले इस इलेक्शन का पूरा 360 डिग्री कवरेज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। चुनाव में मुख्य रूप से दो ही पक्ष आमने सामने हैं, एक तरफ एवीवीपी है तो दूसरी तरफ यूनाइटेड लेफ्ट फ्रंट भी है, लेकिन तीसरा मोर्चा भी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव में जेएनयू कैंपस के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर राजनीति हो रही है और दोनों तरफ से परसेप्शन को ही मुद्दा बनाया गया है। जेएनयू का जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाला परसेप्शन है कि जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग रहते हैं, यहाँ पर एंटी नेशनल एक्टिविटी होती है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एवीवीपी मैदान में, तो वहीं यूनाइटेड लेफ्ट फ्रंट एवीवीपी के द्वारा होने वाली कथित तौर पर हिंसा और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर मैदान में। वहीं जो तीसरा मोर्चा है बापसा, उसकी तरफ से कैंपस के अंदर होने वाले भेदभाव, दलित बहुजन छात्रों के साथ होने वाले उनके आइडेंटिटी के हिसाब से उनके साथ होने वाले भेदभाव को मुद्दा बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि पूरे 37 साल बाद यूनाइटेड लेफ्ट फ्रंट ने अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एक दलित को बनाया है, तो वहीं बापसा की तरफ से जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पर एक क्वेर महिला को भी कैंडिडेट बनाया गया है। सुनिए ये सारे कैंडिडेट क्या कहते हैं अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में, और जो हमने उनसे बात की है उसे भी सुनिए। साथियों, जिस तरह से 500 साल का जो है 500 साल का गुलामी का नक्शा को हटा कर राम मंदिर अयोध्या में आया है, उसी तरह मेरा गांव में ये नक्सली हम जिंदाबाद लिखते हैं, इस कैंपस में इस वामपंथी इस नक्सलियों ने लिखते हैं कि नक्सलबाजी है कि रास्ता करो करो साथियों, ये रेपिस्ट कम्युनिस्ट लेफ्टी का जो है गठबंधन का हिपोक्रेसी एक्सपोज हो चुका है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 सीट जीत के आ रही है। देखिये, जेएनयू का ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जेएनयू में पिछले 50 साल से जो वैचारिक राजनीति है जो कि होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, पर उसने छात्र हितों को बहुत असर पहुंचाया है, बहुत दुर्गति की है छात्र हितों की। और वही हमने पिछले साल 5 साल में भी जेएनयू में देखा है कि लेफ्ट यूनिटी का कार्यकाल 5 साल का रहा, पर उस 5 साल में उनके पास एक काम नहीं है गिनाने को। तो इस चुनाव का मुद्दा हमारा यही है कि छात्र हितों की बात होनी चाहिए। ठीक है, छात्रों की बेरोजगारी की बात होगी या फिर उनके शिक्षा को लेकर बात होगी, एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बात होगी, क्या बातें होंगी? जहाँ तक बात है बेरोजगारी की, तो कैंपस में प्लेसमेंट्स की जो व्यवस्था है उसके लिए हमेशा से प्लेसमेंट सेल का लेफ्ट ने विरोध किया है। जब कई बार हमने प्रयास भी किया तो उन्होंने उसको तोड़ा है कॉर्पोरेट कल्चर बोल के, और जो भारत विरोधी नारे लगाते हैं उससे वैसे भी कंपनीज यहाँ पे आने से डरती हैं। तो हम पहली बात वो माहौल ख़त्म करना चाहते हैं, कैंपस को एक जो मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, जो भारत विरोधी ब्रेकिंग इंडिया ना होकर के भारत हितैषी विचार उससे जोड़ना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे कंपनीज आए, प्लेसमेंट्स हो, क्योंकि जेएनयू के छात्र सक्षम हैं नौकरियाँ लेने में, पूरे विश्व में काम करने में, पर कुछ कारणों से कह रहे हैं कि यहाँ पर देश विरोधी लोग यहाँ पर रहते हैं। जेएनयू लेफ्ट देश विरोधी है जी, आईएसआई एएसएफ डीएसएफ। आप जानते हैं कि सांप्रदायिकता का जहर इस तरह से घोला जा रहा है पूरे देश में, जहाँ पे नफरती उन्माद फैलाया जा रहा है। आप देख लीजिए मुजफ्फरनगर से लेकर आसाम तक, उसके साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली तक, जिस तरह के
दंगे जिस तरह की आग लगाई गई है, मुसलमानों का जनसंहार हुआ है, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। हसदेव से लेकर धारावी तक जिस तरह से अडानी को बेच दिया गया है, उसके खिलाफ हम यहाँ पे खड़े होकर आए। जब 2019 में इस कैंपस में फ्री हाइक हो रहा था तो एवीवीपी प्रशासन के साथ था। अगर वो यूनियन में आता है तो आप जान लीजिए कि अगर फी हाइक होगा तो फिर प्रशासन की गोद में बैठ जाएगा, वो उसके सुर में सुर मिलाने लगेगा। तो ऐसा तो नहीं चाहिए हमें यूनियन। इस कैंपस में 5 जनवरी को बाहर से एवीपी गुंडे बुलाता है, आगे कॉमन छात्रों का सर फोड़ देता है, हमारे टीचर को जो हमें पढ़ाते हैं उसको उनका सर फोड़ देता है, हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट का सर पे मार के उनका सर फोड़ देता है। तो ऐसी यूनियन तो हमें नहीं चाहिए जो इस वायलेंस का साथ दे, जो वायलेंस करता रहे, ऐसी यूनियन हमें नहीं चाहिए। तो ये डर हमें है कि इस तरह की अगर यूनियन आएगी तो इस कैंपस में मारपीट की लगातार घटनाएं घटती रहे, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। देश के अलग अलग राज्यों में आप देख रहे हैं कि सरकार का हमला पुरजोर हो रहा है, आप देख रहे हैं कि मणिपुर में जिस तरह से घटना घटी और सरकार एकदम चुपचाप देखती रही, आप देख रहे हैं कि जब देश के किसान अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि रबड़ की बुलेट चलाई जाती है और एक किसान को गोली मार दिया जाता है। हम देखते हैं इसी कैंप इस देश में लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन उनसे कोई बात भी नहीं करने जा रहा है। तो ये सारे सवाल हमारे हैं, इन सारे सवालों पर हमें बात करने की ज़रूरत है। मैं इन नारंगी खटमलों को बता दूं जो डोल लेके आए हैं, जो डोल डमरू बजा रहे हैं, आज ये मेरी आवाज नहीं दबा पाएंगे, आज मेरी आवाज मेरे पराई के साथ गूंजेगी और तेरे गूंजेगी। मेरी आवाज में आज नांगले की हुंकार है, बिल्किस की हुंकार है, फातिमा की हुंकार है, फुलेट की हुंकार है। ये शर्म की बात है लेफ्ट के लिए कि 27 साल लग गए इनको दलित प्रेसिडेंट देने में, और अब वो दलित, अब पहले तो कहते थे कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, तो अब क्यों बोल रहे हैं दलित? और अगर उनको दलित बोल रहे हैं तो बाकी के पैनल को ठाकुर बनिया क्यों नहीं बोल रहे? 40 साल से लेफ्ट लेट जेएनयू स्टूडेंट यूनियन रहा है, इस स्टूडेंट यूनियन ने भी काफ़ी ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतों को बढ़ावा दिया है। SC ST OBC स्टूडेंट्स ऐसे हो गए, उनको वाइवा वोसी में PhD के वाइवा वोसी में 3-4 नंबर दे के 30 में से 3-4 नंबर दे के बाहर निकाल दिया जाता था। कि आप एक दलित क्वेर कैंडिडेट हैं यहाँ पर और आप फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रही हैं, तो आप इस आइडेंटिटी के साथ, इस बैकग्राउंड के साथ आप किन मुद्दों को आगे बढ़ाएंगी अगर आप जीत कर आती हैं तो? सबसे पहले मैंने देखा है कि यहाँ की जो क्वेर कम्युनिटीज़ है वो सवर्ण डोमिनेटेड है, वो लोग सोचते हैं कि दलित बहुजन जो लोग होते हैं वो क्वेर होते ही नहीं है। मैं बताना देना चाहती हूँ अपनी आइडेंटिटी को अजर्ट करते हुए कि दलित बहुजन लोग भी हैं जो क्वियर हैं और अपनी जगह के लिए यहाँ पे लड़ने आ रहे हैं। इस आइडेंटिटी के साथ मैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर ट्रांस वेमेन चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में, JNU SU के कॉन्स्टिट्यूशन में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेजेस यूज़ हो, यहाँ के हॉस्टेज भी जेंडर न्यूट्रल बनाए जाएँ ताकि किसी को डिस्फोरिया ना हो, कोई उत्पीड़ित ना हो जो ट्रांस कम्युनिटीज से आते हैं, उनके साथ शोषण ना हो, मेंटल शोषण जो होता है। क्या क्वेर लोगों के साथ भी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपने फील किया है? मैं अपना ही बात बता देती हूँ, औरों के साथ भी होता होगा, वो अपनी बात अच्छे से बताएंगे, पर मैं अपनी ही बात बता देती हूँ। मैं DU में मैंने बैचलर्स करा था, विमेंस कॉलेज था वो, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव स्पेस, वहाँ पे मेरी क्वेर आइडेंटिटी तो एक्सेप्ट हो गई क्योंकि वो सो कॉल्ड वो इंस्टाग्राम से सीखे हुए चीज़ें बोलते हैं, ठीक है, बट वही लोग बैठ के साथ में रिजर्वेशन बैशिंग करते हैं कि अरे ये लोग कोटा से आए हुए हैं, ये हमारी बराबरी नहीं कर सकते। तो जहाँ मेरी क्वियर आइडेंटिटी एक्सेप्ट हुई DU में, वहीं मेरी दलित आइडेंटिटी को बैश करा गया। तो ये कास्टिज्म नहीं है, मेरे साथ इंटरसेक्शनली कास्टिज्म हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो मैं क्यों ना अपनी इंटरसेक्शनल आइडेंटिटी हजर्ट करूं? मैं मानती हूं कि मेरा खड़ा होना इसलिए ज़रूरी है कि कोई दलित महिला किसी छोटे शहर से आते हुए, कोई दलित क्वियर महिला किसी छोटे शहर से आते हुए मुझे देखे, मुझे देख के इंस्पायर हो, मुझे देख के आगे बढ़े कि वो हाँ वो भी इस मकाम पे आ सकती है, वो भी अपनी आवाज़ इतनी बुलंद करके बात कर सकती है। साथियों, इस कैंपस में ये मनुवादी राइटिस्ट और मनुवादी लेफ्टिस्ट कहते हैं ये इलेक्शन फेस्टिवल है, फेस्टिवल उन लोगों के लिए है तो फिर जो सेक्शन से आते हैं जो मनुवादी होते हैं तो जातिवादी होते हैं। हम बहुजनों के लिए इलेक्शन एक रिप्रेजेंटेशन का लड़ाई है, एक एग्जिस्टेंस का लड़ाई है। ये भाजपा सरकार पूरे देश में कहती है सबका साथ सबका विकास,
लेकिन जब वही अखलाक को मोबलिंज किया जाता है, जब वही थ्रेड को चलती ट्रेन को मार दिया जाता है, जब वही पहलू खान को मोबलिंचिंग कर दी जाती है, जब नए संसद भवन में रमेश भजूरी जैसे लोग चुने हुए सांसद को कटुआ, मुल्ला और आतंकवादी कहते हैं, तो इनके मुंह पर ताले पड़ जाते हैं। हम इस कैंपस में 2 बजे से हैं और 2 बजे से लेकर अब तक हमने तमाम कैंडिडेट्स के अलावा जेएनयू के जो छात्र किसी भी पॉलिटिकल यूनियन से एसोसिएटेड नहीं है उनसे भी बात की और जानने की कोशिश की कि जेएनयू के जो असल मुद्दे हैं, जो विद इन कैंपस मुद्दे हैं, वो मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों को लेकर वह किस तरह से वोट करेंगे और उसको लेकर अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट्स के क्या विचार हैं। एक जेएनयू मतलब ऐसा कैंपस है जो कि सेफ माना जाता है, बट यहाँ पे भी कुछ ही दिनों से सेक्सुअल हैरेसमेंट के काफ़ी केसेस आ रहे हैं, लोग बाहर से आगे करते हैं। तो मेरा एक वो नंबर वन इशू रहेगा कि जैसा ये सेफ था वो वैसा ही सेफ बना रहे। आपको कितना साल हो गया कैंपस? मुझे 3। 3 साल से आप हैं और 3 साल में 4 साल से चुनाव नहीं हुआ है जेएनयू में, तो आपको लगता है कि इस बार जो इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन के जरिए इन इश्यूज को एड्रेस किया जा रहा है, इन पर बात हो रही है, इनको रिजॉल्व करने की बात हो रही है, क्या ऐसा हो रहा है इस इलेक्शन? देखो, टू बी ऑनेस्ट, दोनों तरफ से लेफ्ट हो राइट हो, मैंने किसी के भी मुंह से ये बातें सुनी नहीं है। मतलब करते हैं लोग उन बातों को उठाते हैं, बट उनका मुद्दा एक दूसरे को नीचे गिराने में ज़्यादा होता है। मैंने देखा है कि लेफ्ट यही चाहेगा कि मतलब राइट नीचे रहे, राइट चाहता है लाल लंगूर कहेंगे कि नीचे रहे वो लोग, उनका एक दूसरे को ज़्यादा पॉइंट आउट करने का रहता है, जो कि समझ में भी आता है कि उनका वही मुद्दा है। कुछ लोगों ने ये बातें उठाई भी हैं, उनका ये कहना होता है, जैसे कि काफ़ी कभी भी कुछ होता है तो वो लोग एक एटलीस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि हम इसके अगेंस्ट हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो एक स्ट्रांगली एक्शन लेना होता है वो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, बट उसका ये भी रीज़न है कि उनके पास वो पावर भी नहीं है। तो आई होप कि जब पावर आएगी देन पीपल विल वर्क फॉर इट। आप किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगी, आपके इश्यूज क्या रहेंगे, किस इश्यूज को ध्यान में रखकर आप वोट करने वाली? यहाँ पे जब हमने कई डिबेट सुनी है वॉइस प्रेसिडेंट के लिए भी और सेक्रेटरी के लिए भी, उनमें कई कैंडिडेट्स आए हैं जो कि कह रहे हैं कि मतलब बड़े बड़े मुद्दों के लिए भी बात कर रहे हैं, जैसे पैलेस्टाइन हो गया, तो जो कि ठीक बात है कि आप बड़े मुद्दों को लेके और छोटे मुद्दों तक आ रहे हैं, पर मेन मुद्दे हमारे रहेंगे कि आप ठीक है बड़े मुद्दों को देख के छोटे मुद्दे पर आ रहे हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है, पर आप कैंपस को लेके स्पेसिफिकली क्या क्या आप एजेंडा में रख रहे हैं चीज़ों को, कि आप पानी का मुद्दा सॉल्व करेंगे, आप सीलिंग को ठीक करने का, आप मैस के खाने का, फूड की सिक्योरिटी आप बढ़ाएंगे, मतलब फूड की क्वालिटी आप बढ़ाएंगे, और रास्ते मतलब कि जेंडर सेंसिटाइजेशन आप एक इन्वायरमेंट लेके आएंगे कैंपस में, तो इन मुद्दों को जो इंश्योर करके दे रहा है उस पार्टी को हम वोट देना चाहेंगे। जो फ्रीडम है, जो सोच है इस सिस्टम की, इस यूनिवर्सिटी की, वो बनी रहनी चाहिए फॉर अ लॉन्ग। जो इस इलेक्शन से आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैं ऐसे इंसान है या ऐसे कैंडिडेट्स को वोट करूं जो इसको इंश्योर करें कि जो यहाँ के सिस्टम का जो फ्रीडम है ना उसको बनाए रखने में हेल्प करें। जो वॉयलेंस के इश्यूज हैं फॉर अ लॉन्ग अभी से शुरू हो गए हैं, जो सिस्टम में पहले नहीं थे, आई रियली कंडेम देम। जो ये बताते हैं लोगों को बाहर कि जेएनयू ख़राब जगह है, और मतलब जेएनयू में रहते हुए जो हम फील करते हैं कि इट्स अ अमेजिंग प्लेस और बहुत सेफ और बहुत अच्छी जगह है, तो वो चीज़ इंश्योर करे ऐसे लोगों को, आई विल ट्राई टू वोट देम। जब कोई बड़ा मुद्दा आता है, फलस्तीन से लेके मणिपुर तक के जितने भी केस हैं, ये जेएनयू इज द ओनली प्लेस आई कैन से अबाउट द यूनिवर्सिटी जहाँ लोग उन पर बात करते हैं, और बात करना युद्ध करने से ज़्यादा बड़ी बात है। युद्ध करना हल नहीं है, बात करना हल है, डिस्कस करना हल है, तो यहाँ डिस्कस होता है विच इज़ द बिग थिंग, और ये जेएनयू की आत्मा है जिसको अगर इलेक्शन के थ्रू बचाया जा सकता है, प्रीफर दैट, फॉर मी इट इज़ अ बिग थिंग। क्योंकि जब आप डिस्कस करते हैं तो कई ऐसी बातें निकल के आती हैं जो दोनों तरफ से आपको बैलेंस करती हैं, कि बींग अ राइट, बींग अ लेफ्ट और बींग एनी पॉलिटिकल पार्टी, आप समझ पाते हैं कि समटाइम्स यू कैन बी रॉन्ग, समटाइम्स दे कैन, और दूसरों को समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट देन यू हैव टू टॉक। कोविड के बाद 4 साल बाद पहली बार जेएनयू का इलेक्शन हो रहा है, तो आप क्या इसको देख रहे हो? चेंजेस हो इसलिए तो इलेक्शन ज़रूरी है, चेंजेस हो नहीं रहे हैं कुछ भी। अब आप देखें सड़कें वगैरह सब ख़राब हैं, ठीक है, हॉस्टल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सीढ़ियाँ टूटी हुई,
टोंटियाँ टूटी हुई रूम्स के हालत इस तरीके का, कभी कोई छत गिर जाती है, जो कॉमन स्टूडेंट है उनको यूनियन नहीं होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो ये यूनियन बहुत ज़रूरी है। तो फिर से यूनियन का इलेक्शन हो रहा है, इसको लेके आप लोग एक्साइटेड हैं? हाँ, उम्मीदें हैं। हाँ उम्मीदें हैं। किस तरह की उम्मीदें? उम्मीदें हैं कि सब लोग जाते हैं, कोई भी किसी पार्टी का अगर कैंपेन कर रहा है वो जाके वहाँ कुछ प्रॉमिस कर रहा है, अब वो अगर यूनियन में आएगा तो वो अकाउंटेबल होगा। यू कैन गो एंड आस्क द क्वेश्चन टू देम कि भाई आपने ये बोला था, अभी मेरे पास ये नहीं, आप करिए। फिर उसके होने से ये होता है कि प्रेशर होता है एडमिन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे। इसके अलावा कैंपस में इस इलेक्शन के दौरान बहुत सारे बाहर के छात्र भी अलग अलग कैंडिडेट के सपोर्ट में कैंपेन करने भी आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ बिरादरी के नाम पर भी कैंपेन करने आए थे, जो कि DU से थे। हमने उनसे बात की, सुनिए वह क्या सोचते हैं JNU और इस इलेक्शन के बारे में। आप लोग भाई लोग किधर से हैं? हम भाई DU से। अभी DU से? अभी हाँ जी DU से। सब DU से? ग्रेजुएशन वाले हो गया सब? ना ना, BA कर रहे हैं। BA कर रहे हैं? अभी BA ही कर रहे हो? सब BA कर रहे हो? तो यहाँ भाई आप लोग कैसे आए? यहाँ भाई जाट्टा की बात करने आए हैं। जाट्टा की बात करने? तो क्या बात होगी जाटों के लिए JNU में? तो ये बात है, जितम घटे घोड़ा जीत मारी है, बस और तक ही है। तो मतलब कैसे, कोई खास इशू है या क्या है? तो भाईचारे में आ रहे हैं। भाईचारे में? तो मतलब जाटों की बात है इसलिए आप लोग आए हो बस। तो आप लोग JNU और DU में क्या डिफरेंस देखते हो? आपको कुछ डिफरेंस नजर आता है? तो घना डिफरेंस है, बालक बेकार है, DU के बढ़िया बालक है। यहाँ के बालक बेकार है? हाँ बेकार बालक। क्या क्या खराबी नजर आती है? कुछ है ना, इन्हें बेरा है ना कि मैं भी सोशल लाइफ ना एंड हो रहा है, खाली पढ़ाई लिखाई के हैं ये। खाली पढ़ाई लिखाई करते हैं, सोशल लाइफ? सोशल लाइफ को ना एंड हो रहा। किस तरह की सोशल लाइफ? अगर आप लोग आते हैं तो क्या JNU को DU जैसा इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग? हाँ बना देंगे। क्या क्या अंतर लाएंगे हम लोग? कुछ ना, इनमें पहले सोशल लाइफ लाऊंगे, इवेंट इवेंट करवाया करेंगे। किस तरह के इवेंट? फेस्ट फूस्ट हो गए, जुकर सिंगर उंगर बुला के डीजे सीजे जदे। तो इन्हें थोड़ा बेरा पाटे का फन क्या होता है, ये तो अभी रूम में जाके पढ़ाई लिखाई करियर अपना उल्टे बाहर आगे, ये हुआ इनका। तो इधर मतलब पढ़ाई लिखाई ही करते रहते हैं सब? हाँ, और इनका की है पढ़ाई लिखाई राज की, ये करते रहे हमारे तो। भाई आपका क्या नाम है? प्रियांश भाई। प्रियांश भाई, आप इससे पहले आए हो JNU? हाँ मैं भाई के लिए आ रखा हूँ। आ रखे आपको भी? ऐसे जो भाई बोल रहे हैं कि DU JNU में क्या अंतर आपको नजर आता है? सेम भाई, जो भाई ने बोला हमारी बात ना काटा, छोटा भाई है। तुम्हें बात नहीं काटे? गलत भी बोल दिया तब भी? हाँ ना काटा। ये कौन सा नहीं काटा जो खड़े हैं ये सारे गैर खड़े? हाँ ये तो भाई जरा देखना भाई। तो अच्छा, आप लोग वोट करते टाइम ऐसे इशू नहीं देखते हो, भाईचारा देखते हो? मतलब भाईचारा? बिल्कुल यही होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। इस पूरे इलेक्शन को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए यहाँ पर इलेक्शन कमेटी बनाई गई है, जो इस इलेक्शन को मॉनिटर कर रही है। इसके अलावा यहाँ के इलेक्शन कमेटी ने एक बहुत ही यूनिक और स्पेशल चीज़ किया है, उन लोगों के लिए जो आंखों से देख नहीं सकते, उनके लिए अलग से बैठने का इंतजाम तो किया गया है, और वो वोट डालते समय अपना वोट खुद डाल सके, उनको किसी के मदद की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी स्पेशल इंतजाम किया गया है। सुनिए वो स्पेशल इंतजाम क्या है। वैलेट बॉक्स की सीक्रेसी हमने मेंटेन रखी है, और पर्सन विद विजन इंपेयरमेंट जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए भी हमने एक सीक्रेसी मेंटेन रखी है, ताकि वो अपना वोट अपने हिसाब से डाल सके, किसी को पता ना हो, इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन को भी नहीं। तो हमने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा है, डिजिटल वोटिंग हमने उनके लिए रखी है, ताकि वो स्क्रीन रीडर के थ्रू सुन के और किसका नाम लैपटॉप पे सुनाई दे रहा है इसके थ्रू वो वोटिंग कर पाएंगे, जिससे वो अपना कैंडिडेट खुद चुन पाएंगे। जो स्टेप्स आप ले रहे हैं इस इलेक्शंस में, वो भारतीय चुनाव आयोग से ज़्यादा बेहतर है फिलहाल के मामले में? हाँ मैं ये कहूँगा कि भारतीय चुनाव आयोग से बेहतर चुनाव है। अगर पर्सन विद विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के बारे में देखा जाए तो ये चुनाव मुझे ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है बनस्पत EVM के। जय श्री राम, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद और जय भीम के नारों के साथ यह कैंपेन अभी भी चल रहा है। 22 तारीख को मतदान होगा, 24 को रिजल्ट आएगा, और देखने वाली बात होगी कि हमेशा की तरह लेफ्ट यूनिटी यहां पर अपनी बात साथ कायम रखता है या फिर ABVP अपना परचम लहराने में कामयाब हो पाता है। वहीं तीसरे मोर्चे की भी उम्मीद है, क्योंकि बापसा और NSUI भी मैदान में है। ऐसी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रशांत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, JNU दिल्ली। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है।
न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।